अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शेफ समिया जमील, सीबो ग्रुप की एडमिन एंड फाउंडर एंड सेलिब्रिटी शेफ। आप सब लोगों को सीबो रमज़ान पाकिस्तान में बहुत बहुत खुशामदी। हमेशा की तरह आज फिर हम आपके साथ हैं, आप लोगों के छोटे मसाइलों को लेके, और हमारी पूरी कोशिश है और कि हम आपके मसलों को हल कर सकें बहुत ही डिटेल में। मेरे साथ मेरे पूरे पैनल पे बहुत मुख्तलिफ आपको गेस्ट मिलेंगे, जो कि शायद आपकी दिल की आवाज़ होगी और मेरी ज़बान होगी, और मैं उनसे सारे सवालात करूँगी ताकि आप लोगों के सवालों का हल निकल सके और आप लोगों की मुश्किलें आसान हो सके। आज मेरे साथ बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट, जिनको आप लोग मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे देखते हैं, अब्दुल गफ्फार आगा साहब, जो कि बहुत बड़े हर्बलिस्ट हैं और उनकी बातें बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो आइए उनसे स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस आज आपका सबसे पहले खुशामदीद कि आप जो हैं वो हमारे सीबो के एक छोटे से प्लेटफॉर्म पे आए, अपना कीमती वक्त दिया और बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी बहुत मेहरबानी। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो आपका टॉपिक है वो असल में इतना अच्छा और इतना ज़्यादा एग्रेसिव, लोगों के लिए काबिल कबूल, इसलिए कि ये वो चीज़ें हैं जो हर साल सीखने के लिए एक नए सबक मिलते हैं, और ये सबक सीखने का ही वक्त है जो रमज़ान का वक्त है। रमज़ान का वक्त है। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और वो टॉपिक है बदहज़मी। हम बे इंतहा पकौड़े खाते हैं, बहुत टाइमिंग से उनकी आउट हो जाती हैं सहरी की वजह से, लेट नाइट सोना, जल्दी उठना, फिर इबादत, फिर ऑफिस, कॉलेज, सब कुछ होता है। तो एट लास्ट कुछ छठे सातवें रोज़े के बाद बदहज़मी की शिकायत होती है, लोगों को लूज़ मोशन होने लगते हैं, या वॉमिटिंग होती है, या जिगर में इतना पेन होता है, या खट्टी डकारें आती हैं कि बड़ा अनकम्फर्ट जो है वो माहौल में वो आ जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि हम अपनी सहरी में और अफ्तारी में ऐसे कौन से जो है वो कैसे ना एलिमेंट्स यूज़ करें कि हमारी हर चीज़ आसान हो जाए। देखिए, जिस तरह हमारे जिस्म का एक निज़ाम है, ये एक पूरे निज़ाम के तहत चल रहा है, और हर चीज़ हम अपने लिहाज से मैनेज करते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो सुबह फजर के वक्त नाश्ता करते हैं, दोपहर में लंच करते हैं, और रात को अर्ली खाना खा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 12 बजे सोकर उठते हैं और वो सुबह का नाश्ता यानी दोपहर में 12 बजे के बाद खा रहे होते हैं। रमज़ानों में अब तमाम के टाइमिंग मुख्तलिफ हो गए। अब इस मुख्तलिफ टाइमिंग के साथ हमारा जिस्म उसे कंपनसेट कैसे करता है, उसको एग्री कैसे करता है, और उसको अडॉप्ट कैसे करता है, ये तमाम चीज़ें अलग अलग हैं। जब हमने इब्तिदा में सहरी खाना शुरू की तो ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। वो लोग जो रोज़ा रखने के आदि हैं वो एक अलग बात है। उमूमन मुसलमान जो हैं वो इसी उसमें रमज़ान में ही रोज़ा रख रहे हैं, रमज़ान में रोज़ा रख रहे हैं, इसलिए ये फ़र्ज़ है सारे रखने। अच्छा, जब ये निज़ाम तब्दील होता है तो जिस्म कहीं ना कहीं अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कर रहा होता है। उस मैनेजमेंट में जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी खुराक क्या है। अच्छा, क्योंकि हम लोग सुबह सहरी में हौके में ज़्यादा खाते हैं, पूरा दिन भूख ना लगे, और ऐसा मुमकिन नहीं है। और इफ्तारी में इसलिए ज़्यादा खाते हैं कि हम सारा दिन भूखे रहे हैं। तो चुनाची अगर आप इनका एग्रीगेट देखेंगी तो वो लोग जो रोज़ा रख रहे होते हैं, ये सोच रहे होते हैं कि हम शायद अपना वज़न कम कर लेंगे, वो लोग आमतौर पर अपना वज़न बढ़ा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। वजह उसकी तीन है। एक तो बात ये कि सुबह वो ज़्यादा खा रहे हैं, रात को वो ज़्यादा खा रहे हैं, और दोनों खानों के बीच में 13 से लेकर 14 घंटे का गैप है। गैप का बढ़ना उनके वज़न को ख़राब कर देता है, और हैवी डाइट। अब देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है सहरी का, सहरी में आप कुछ भी खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, 3 से लेकर 3.5 घंटे बाद दुनिया की कोई ऐसी ग़िज़ा नहीं है जो मेदे में रह सके। ज़बरदस्त। तो जब नहीं रह सकती तो उसके बाद हमारे मेदे को खाली हो जाना है। इस हौके में बहुत ज़्यादा खाना ये तकलीफ देना है, बिल्कुल तकलीफ देना है, और एंड ऑफ द डे 3.5 घंटे के बाद आपके मेदे में खाना नहीं रहेगा, ये तय है। अच्छा, अब 3.5 घंटे से लेकर के हमें तकरीबन 10 घंटे फास्टिंग में गुजारने, हमें ये कैसे गुजारने हैं? सबसे पहली बात तो ये कि सुबह के सहरी में हमें खाने की मैनेजमेंट को बेहतर करना है। मैं वो अर्ज़ करूँगा कि हमको क्या करना है। दूसरी बात जो है वो ये कि ये 10 घंटे दरअसल जो हम रोज़ा रखते हैं, ये दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक इनाम है। ज़बरदस्त। इस हवाले से कि जो हम
गज़ा नहीं खा रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने स्टैंड बाई सिस्टम्स हमारे जिस्म में लगा रखे हैं। वो स्टैंड बाई सिस्टम कैसे काम करेंगे, उनके काम करने की नौइयत क्या होगी, ये दरअसल एक बुनियादी सवाल है जो दरअसल इसका जवाब हमें रमज़ानों के रोज़ों में मिल जाता है। वाह ज़बरदस्त। तो वो जो सिस्टम्स मौजूद हैं उन सिस्टम्स को कैरी ऑन करना, उनको ये बात याद दिलाना कि तुम्हें किस वक्त जा कर के काम शुरू कर देना है, ये रमज़ानों में मुमकिन होता है। सही। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि सुबह सहरी में क्या लें। देखिए आम तौर पर लोग जो हैं वो पराठे खाते हैं, और हमारे यहाँ वो फेनी और खजरे का तसव्वुर रमज़ानों के साथ ही रैकेट कर दिया है हमने। वो बहुत हैवी सी चीज़ें होती हैं, और वो तमाम चीज़ें इसलिए होती हैं कि हम अपने मैदे को ज़्यादा देर तक कैरी ऑन रख सकें। बिल्कुल। मैंने आपसे अर्ज़ की कि जब ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि 3.5 घंटे बाद मैदे को खाली हो जाना है, तो फिर हमें किस तरह इसको मैनेज करना है। सुबह सहरी ज़रूर कीजिए, लेकिन अब ये तय कीजिए कि कौन खाना है, क्या खाना है कि हमारी एनर्जी लेवल बेहतर रहे और हमारी प्यास की शिद्दत तो तेजाबियत कम रहे। बिल्कुल। मैं आपसे दरख्वास्त करूं कि एक बहुत अच्छा सा नुस्खा है, आप 3 खजूरें लें। बिल्कुल। 3 खुबानियाँ, खुश खुबानियाँ लें, और उसके साथ आप थोड़ा सा दही का इस्तेमाल करें। अच्छा। रात को आप खुबानी और खजूर को भिगाने के लिए रख दें। बिल्कुल। सुबह आप ये खुबानी छील कर खुबानी डाल दीजिए, खजूर का बीज निकाल दीजिए, डाल दीजिए। अगर आपने खुबानी का बादाम भी निकाल कर इसमें डाल दिया तो आपने विटामिन B12 जो दुनिया का बेहतरीन एंटी कैंसर है वो भी ऐड कर दिया। इसको आप 1 पाव दही के साथ बहुत अच्छी तरह शेक कीजिए। अगर आपने इसको शेक करके सुबह सहरी में ले लिया तो आप ये सोचिए कि आपने एनर्जी लेवल बेहतर कर दिया, आपने गर्मी के तोड़ के तौर पे दही ले लिया, और इसी से आपकी एसिडिटी कंपैरेटिवली बेहतर हो जाएगी। जबरदस्त जबरदस्त। यहाँ एक चीज़ और कहनी ज़रूरी है, वो ये कि दही को अगर आप रात को मलमल के कपड़े में डालकर लटका दें और उसका पानी निकल जाए, अब जो ये ग्रीक योगर्ट आ गया, इस ग्रीक योगर्ट को अगर आप उस शेक में इस्तेमाल करें तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। एक एनर्जी लेवल भी पूरा होगा, प्यास भी नहीं लगेगी, और एनर्जी बहुत अच्छी ज़बरदस्त जाएगी। बहुत बहुत ज़बरदस्त शुक्रिया कि ये जो सिस्टम जो हाजमे का है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस रमज़ान में, क्योंकि हमारे वक्त की रूटीन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी हर चीज़ में एक बहुत बड़ी तब्दीली होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, हमारी बॉडी का भी एक्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको शुरू से ही इतना ज़्यादा रखें, और ख़ास तौर पे मैं एशियंस को ये कहूँगी कि हम अपने छोटे से बच्चों के, जब बच्चे सॉलिड पर आते हैं तभी हम उनको रोटी और चावल देना शुरू कर देते हैं, तो कोशिश करें कि उनको ऐसे मील्स दें ताकि उनकी रोटी चावल बेसिकली खुराक ना हो, उनके प्रोटीन और ऐसे विटामिंस और ऐसे न्यूट्रिशनल फूड आपके आप बच्चों की ग़िज़ा का हिस्सा हो, जो कि उनको ताकतवर बनाए, ना कि उनको मोटा या पतला बनाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी के साथ ही मुझे और आगा साहब को दें इजाज़त, कल फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।